तो बुढ़ी लैला भगोरी अचानक सूरत क्यों भाग गई, किसका कॉल आया था? तेरे बेटों के नाम पे किसी का कॉल आया था क्या जो अचानक सूरत भाग गई? वैसे तो सोशल मीडिया की फैमिली जो है वो तेरी अपनी फैमिली है, सोशल मीडिया की फैमिली को तो सब कुछ बताती है, तो हर दुख सुख जो है वो शेयर करती हो, तो तेरा जो अभी जो दुख का टाइम आ रहा है और जो दुख का कॉल आया था वो किसके लिए आया था, क्यों आया था, कहाँ से आया था, कौन सा ये बताई नहीं तूने सोशल मीडिया में? नहीं, सोशल मीडिया के लोगों को जो है ना वो पता तो चल ही जाएगा कि किसने क्या किया है और कहाँ से तुझे क्या कॉल आया है, या तो तू बताएगी या तो वो लोग बताएंगे। वैसे पता तो मुझे भी है, पता काफ़ी लोगों को है, लेकिन जिन लोगों ने जो है ना तेरे बम्बू डाली है ना वो उन लोगों के मुंह से सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो खैर तू तो नहीं बताई तेरे सोशल मीडिया की फैमिली को जिनके साथ तू हर दुख सुख जो है वो शेयर करती है कि तेरा दुख का जो वक्त है वो आ चुका है। बहुत फड़फड़ा रही थी ना, बहुत उड़ रही थी तू, तो तेरा और तेरे बेटे का पंख काटने का जो है तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो भाई कहाँ से क्या कॉल आया है, जिन लोगों ने किया है वही लोग अपने मुँह से बताएंगे। अभी फिलहाल मैंने तेरे से एक सवाल किया है, सवाल का जवाब ज़रूर देना, क्योंकि तू हर किसी से सवाल करती है लेकिन जवाब तू जब तुझसे कोई सवाल करता तो उसका तू जवाब नहीं देती है। बट इस सवाल का जवाब तो तुझे देना पड़ेगा, तू देगी या फिर वो लोग देंगे, कोई ना कोई तो देगा। और तेरी अच्छी खासी बज रही है, तेरे जो है ना अंदर जो है ना अंगार लग रही है। एनीवेज अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ, आज तो काफ़ी अच्छी हुई, ऐसी गुड न्यूज़ मुझे मिली है। खैर मेरे लिए नहीं, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, एंड दुआ की दरख्वास्त है। तो चलिए बुढ़ी का जो है वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबको कानून का पाठ पढ़ाने वाली हमारी जो प्यारी बुढ़ी लैला है, उसको कहाँ से कॉल आया, कॉल आने के बाद वो क्यों सूरत भागी और किसके लिए कॉल आया था, ये तो बुढ़ी ने जो है आप लोग को बताई है नहीं। सबको कानून की पाठ पढ़ाती है लेकिन खुद कानून से जो है डर गई उसका, इसीलिए जो है ना आज उसके जो इंस्टाग्राम का जो रील है आपने देखा होगा, बहुत बौखलाई हुई थी, बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई थी वो, शायद नारियल पानी भी आज उसने पिया नहीं होगा। अब भाग बुढ़ी कहाँ तक भाग सकती है? तो मुद्दे की बात पे आते, कल मैंने आप लोग को एक टॉपिक के बारे में बात बोला था कि अर्षा के साथ गोवा में क्या हुआ था। तो आप लोगों ने अर्षा का एक जो है ना वीडियो देखा होगा काफ़ी महीने पहले की बात है, जब ये लोग गोवा गए थे कि अर्षा जो है धुत थी नशे में और वो लोग रास्ता भटक गए थे, एक व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो ये उसी दिन की बात है, बोबला जो अर्षा को गोवा लेके गया था, तो बोबला अर्षा को गोवा यूँ ही नहीं लेके गया था, और गोवा से आने के बाद सीधा जो सूरत वो लोग यूँ ही नहीं पहुँचे थे। बोबला अर्षा को जो अब वो क्या सेल करते हैं आप सब लोगों को पता है, तो बोबला इसीलिए जो है ना कोई मालदार पार्टी थी उसके साथ जो है ना डील करने के लिए लेके गया था, लेकिन वहाँ पे जाके बंदी ने मना कर दिया। बंदी को एक्चुअली पता नहीं था, वहाँ पे जाने के बाद पता चला, लेकिन बंदी ने खुद को बेचने से मना कर दिया, तो इसी वजह से उन लोगों के बीच में खिटपीट हुई। खिटपीट होने के बाद जो है बुढ़िया ने बोबले को और अर्षी को जो है वो मैगी वाली, नाम नहीं लूँगी मैं मैगी वाली बोलूँगी, मैगी वाली जो भाभी थी हमारी, भाभी जी एक्स भाभी जी, उनको बुलाई, उसको समझाया। बुढ़ी को लगा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बुढ़ी ने आगे जाके फिर से हमारी जो एक्स भाभी जी है मैगी वाली उनके सामने वही सेम प्रस्ताव रखा, जिनको भाभी जी ने दो बार डिनाई कर दिया। उसके बाद बुढ़ी ने जो है अपने बोबले को अलग कर दिया अर्षी से, उसने काफ़ी दफ़ा बात करने की कोशिश की, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, तो बुढ़ी जो है नहीं मानी, बेटे को रोक दी गई। जब अर्षी उसको जो है ना काफ़ी सारी बातें सुना रही थी, तो बुढ़ी ने उसको फ़ोन किया जब वो लाइव में आके अपना जो है ना अपने और बोबले के बारे में बता रही थी, फिर उसके बाद उसको फ़ोन आया, फिर बुढ़ी ने उसको धमकी दिया। कौन सी धमकी, किसके लिए, आप लोगों को पता है उसके घर में जो है ना CCTV लगे हुए हैं, तो उसमें जो चीज़ कैप्चर हुई उसको लेकर धमकी दिया। फिर अर्षी ने जो है अपना मुँह बंद कर लिया, वापस से आके वो लाइव डिलीट कर दी और अच्छा अच्छा बातें बोला। यही था गोवा का मेन कांड जो है, इसीलिए उसको गोवा लेके जाया गया कि भाई उसको जो है ना काम पे उसकी माँ की जो विरासत की काम है उस पर लगा सके, और अपनी माँ की दलालीगिरी से लेके अपनी गर्लफ्रेंड की दलालीगिरी भी वो कर सके। बट वो बेचारी जो है ना इज्जतदार लगती है मुझे, भले ही उसका ड्रेसअप कैसा हो, वो मॉडर्न लड़की है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, उसका कल्चर अलग है, बट वो इंडस्ट्री में है, मेनली वो इंडस्ट्री में है, तो बट शायद वो इज्जतदार थी तो उसको खुद को बेचने से मना कर दिया है। ये हो गई मुद्दे की बात, अब बात करते हैं बुढ़ी के बारे में। है ना बुढ़ी का जो है नया ड्रामा शुरू हो चुका है, क्योंकि बुढ़ी को जो है ना जो उसके जो अभी के जो रिकॉर्डिंग्स सना भाभी ने डाली, या फिर अभी की जो उसकी बातें जो है, या फिर अभी के जो उसके एक्शन थे रिसेंट, उसकी वजह से बुढ़ी के जो है ना काफ़ी इंसल्ट हो चुकी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, बुढ़ी थोड़ा हिल गई है, अब उसने नया ड्रामा शुरू किया है ताकि उसके व्यूज़ जो है वो ना गिरे, क्योंकि व्यूज एक तो व्यूज़ गिर गया है, ऊपर से चारों तरफ से उसकी जो थूथू है वो हो रही, क्योंकि उसकी असली शक्ल जो है वो तो सबके सामने आ चुकी है, और ऊपर से ऊपर
से तो उसके बेटे को कॉल भी गया है। तो बुढ़ी जो है टोटली बौखलाई हुई है, अभी जो है ना पीरवलियों का दर और फैमिली का सहारा ले रही है कि वो देखो वो कितनी अच्छी दादी है, देखो वो कितनी अच्छी बीवी है, देखो वो कितनी अच्छी सौतन है, देखो उसका कितना भरा पूरा जो है ना हम साथ साथ है वाला जो है ना फैमिली है, ताकि उसकी जो सोशल मीडिया में लूटी हुई इज्जत है उसको वापस मिल जाए, वो सबके सामने अच्छी बन जाए, उसको वापस से व्यूज़ भी आने लगे, सॉरी व्यूज़ और जो है ना उसका सब्सक्राइबर भी बने रहे, क्योंकि उसको डर है, उसको डर है कि एक तो उसकी कमाई जो है वो कम हो जाएगी और दूसरा जो है उसका जो मतलब कि क्या बोलूँ मैं, उसका जो इमेज है वो तो चकनाचूर हो ही चुका है। वैसे तो पहले अभी गाली खाती थी लेकिन अब तो 99% लोग उसको गाली मतलब देते हैं, तो इसकी वजह से ना उसके अंदर में एकदम आग और खलबली मची हुई है। और क्या है तो सना भाभी को जो है गलत ठहराने की कोशिश कर रही है, झोपड़पट्टी का बल्कि अभी मेरी सती बननी है भाई, झोपड़पट्टी को गाली तूने दिया था, झोपड़पट्टियों वालों को गाली तूने दिया था, हालांकि तू खुद झोपड़पट्टी से है। साना भाभी को तो साना भाभी ने तो सारे तूने जो जो चीज़ बोली साना भाभी ने एक्सेप्ट करी, अब वो तूने बोली झोपड़पट्टी की, हाँ भाई झोपड़पट्टी की, तूने बोला साना भाभी ये है तो साना भाभी ने जो है ना हर चीज़ एक्सेप्ट करी, तू भी एक्सेप्ट कर ले भाई, तो भी एक्सेप्ट कर ले, इतना बौखला क्यों रही है। रहा सवाल तू जो अभी आज जो कल जो बहुत अच्छी बन के बोल रही थी, आप बता उसने जो दिखाया झोपड़पट्टी के लोगों के बारे में ऐसा, झोपड़पट्टी के लोग क्या ये काम करते, साना भाभी ने झोपड़पट्टी के लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया, सना भाभी ने तो तेरे बारे में बुद्धि लैला के बारे में जो है ना वीडियो बनाया था जो झोपड़पट्टी में रहती थी, और जहाँ से वो अश्मिता जो बिल्डिंग है ना जहाँ पे तू रहती है अभी 7 नंबर में, तो वहाँ तक का सफ़र सना भाभी ने दिखाया था। सना भाभी ने कहीं पे भी झोपड़पट्टी वालों को इंसल्ट नहीं करा था, हाँ ये बात है कि तूने झोपड़पट्टी वालों को इंसल्ट करा, तूने झोपड़पट्टी बोल के झोपड़पट्टी वालों की मैंटेलिटी, झोपड़पट्टी वालों की तरबियत, पता नहीं झोपड़पट्टी वालों को क्या क्या बोला, क्या हुआ अब झोपड़पट्टी वाले से फट गई, इसलिए तो सना भाभी को फ्रेम करिए कि इसने ये ऐसा बोला, इससे वैसे सना भाभी ने तेरे लिए वीडियो बनाया, सना भाभी ने तेरी जर्नी दिखाई ना कि झोपड़पट्टी को कुछ बोला। सना भाभी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं झोपड़पट्टी से हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ वैसे, तू भी एक्सेप्ट करना सीख ले। और जो है ना आजकल जो है बुढ़िया का नया ड्रामा शुरू हो गया है अच्छी दादी बनने का, फिर इतनी पीरवलियों के दरगाह पे जाती है वो, इतना पीरवलियों को मानती है वो, भाई आज उसके रील में देख लो सवेरे सवेरे इतनी बौखलाई हुई थी वो, इतनी बौखलाई हुई थी, बौखलाने बौखलाहट का कारण तो आप लोगों को पता है क्योंकि उसके अंदर जो है ना अंगार मची, एक तो उसको फ़ोन आया उसके बेटे के लिए अभी तो हाजिरी लगाना होगा, और दूसरा बात ये है कि सोशल मीडिया में वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से जो है ना बर्बाद हो चुकी है वो, पीरवलियों के दरगाहों पर जाने वाली, पीरवली को मानने वाली, इधर दरगाह है भाई तू जा दरगाह में ज़ियारत करने गई है, ज़ियारत कर अच्छी अच्छी मतलब क्या क्या बोलते दिल को सुकून, अच्छे अच्छे मतलब दुआएं कर ना, ये कुछ भी वजू करिए कुछ भी नहीं, नकली नेल्स और नकली बाल लगा के दरगाह पे चली गई ज़ियारत के नाम पे, वहाँ पे दरगाह को पीठ दिखा के बैठ के हराम, मैं क्या ही बोलो यार मेरा मुंह ख़राब होता है, मैं ये बुढ़ी लला को क्या ही बोलो भगोरी साली, वहाँ पे बैठ के वो जो है ना दूसरों के नाम पे गीबत कर रही थी, मतलब कि बोलेगी कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, किसी के बच्चों के बारे में नहीं बोलती, किसी के क्या नहीं, सबके बच्चों के बारे में ये बोलेगी ऐसा लाइन बोल के, सबके करेक्टर पर उंगली उठाएगी, फिर बोलेगी मैं तो किसी के बारे में नहीं बोलती, किसी के बारे में बदुआ नहीं देती, अरे कम से कम दरगाह दरगाह और अल्लाह का घर को तो बख्श दे भाई, दरगाह में जाके भी रील्स बना रही, और मक्का जब गई थी तब भी जाके, जो मदीना शरीफ जब गई थी तब भी जाके वो रील्स बना रही थी, दरगाह में बैठ के ज़ियारत के नाम पे नकली बाल और नकली लागू लगा के दूसरों के नाम पे गीबत करी थी, बौखलाई हुई चच्ची थोड़ा नारियल पानी पी लो, नारियल पानी नहीं पिया क्या रात से, शायद तुमको नींद नहीं आई है कि नहीं, क्योंकि कल तुम्हारे तुमको फ़ोन जो आया था तो रात को शायद नींद नहीं आई, नारियल पानी भी नहीं पिया, इसलिए अंगार अंदर से लगा हुआ है, दरगाह में जाके भी बेशरम औरत, अल्लाह अल्लाह कर कब्र में जाने का टाइम होगा, वहाँ पर जाके भी रील्स बना रही मुजरा कर रही और दरगाह की तरफ पीठ दे के बैठी है, तेरे को हम छोटे बच्चों को भी अगर वो बच्चे तो समझते नहीं है लेकिन हम अगर किबला की तरफ भी उनका पैर हो जाता है ना, मैं मेरा जो इब्बू है ना उसको भी खींच के लाते कि किबला इधर अल्लाह अल्लाह मारे के पैर दे के नहीं सोते, पीठ दे के नहीं वो करते, और तू तो यार बुढ़ी औरत, तू कल को कब्र में जाने का टाइम हो गया, तू वहाँ पर जाके पीठ दिखा के बैठ के दूसरों की गीबत करती, क्योंकि तू घर में जो है ना सूरदारी घर में गीबत नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना अच्छे से तरह तेरे को लतारा होगा, इसीलिए तेरे को तो बोलना था, बौखलाहट तो निकालनी थी भाई, भाग के तो वहाँ पर चलेगी भगोरी, पहले हिंदू भूत से भागी अभी मुंबई से भाग के सूरत चली गई, अब तो तेरा एक नया ठिकाना होगा भाग के जाने का, तो वहाँ पे जाके तेरा अंदर का बौखलाहट निकालना था, तो इसलिए तो दरगाह में बैठ के दरगाह में चली गई और वहाँ पे बैठ के जो है ना हम लोगों के नाम पे गीबत कर दी है, यही है तेरे अंदर की आग निकालने की एक अच्छा आसान तरीका था, क्योंकि सूरत वाले घर में तो तेरे को तो समझ रही है ना, तेरे को तो सब समझ में आ रहा है, तो इसलिए तो दरगाह में चली गई हमारे बारे में गीबत करने को, बद्दुआ देने को, जब तू खुद बोलती ना कि भाई
मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, क्या हुआ सवेरे सवेरे बद्दुआ दे डाली ना, यही तेरी असली औकात है और यही तेरी जो है ना असली चेहरा है। तुझे बोली थी ना मैं तो उंगली करके छोड़ देती हूँ, उंगली करके तो हमने तेरे को छोड़ा है, तो जो है ना इधर से नाच रही उधर से नाच रही, अंगा लग रही है तो नाचेगी तो ज़रूर, उंगली करके हमने तेरे को छोड़ा, उंगली करके दूसरों ने तेरे को छोड़ा और अच्छी खासी उंगली की है जैसी उंगली तू नहीं कर सकती, इसलिए तो तेरे को अंगार लगी, इसलिए तो तड़ 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 कर रही है तू, है कि नहीं है। और वैसे भी ना सवेरे सवेरे जो है ना तेरे थोबड़े में 12 बजा हुआ था एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ सर, हमारी शाह अच्छी यहाँ पे घड़ी घड़ी है बड़ी घड़ी, तो वो बड़ी घड़ी की तरह ना तेरे बड़े से मुँह पे ना जो है ना 12 बजा हुआ था, बहुत बौखलाई हुई थी, उससे समझ में आ ही गया लोगों को कि तू इतनी क्यों बौखलाई हुई थी, आई बात समझ में, तो पब्लिक को जो है ना तेरे सोशल मीडिया की फैमिली को तेरा ये दुख शेयर कर या ना कर, लेकिन सोशल मीडिया की फैमिली को समझ में कुछ आ रहा है कि तू क्यों इतनी बौखलाई हुई थी और तोबड़े में तेरे सवेरे सवेरे 12 क्यों बजे हुए। आशीष का नाम जो है ना आंटी जी आजकल जुबान पे नहीं आ रहा, क्या वो ब्रेकअप हो गया क्या आशीष के साथ? पहले तो कुछ दिनों तक बहुत आशीष 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 कर रही थी, क्या वो ब्रेकअप हो गया क्या? आशीष का नाम आजकल ज़्यादा ले नहीं रही हो, अब तो तीसरा मंगलसूत्र भी आ गया भाई, तीसरा मंगलसूत्र आ गया मेरे बुड्ढी लैला के पास, अच्छा ना तीसरा मंगलसूत्र आ गया इससे तो पता चल ही रहा है कि नया चिच्चा आने वाला है, तो नया चिच्चा किसको ढूंढा, आशीष के नाम के मंगलसूत्र बनाया या फिर किसी और को चूसने का, किसी और को जो है ना अच्छे से उसको जो है ना सारी जो प्रॉपर्टी है वो लेने का हथियारने का प्लानिंग चल रहा है। आंटी जी मंगलसूत्र तो दिखा दिया लेकिन ये भी बता दो कि ये मंगलसूत्र है किस नाम का, कहीं आशीष के नाम का है या फिर दूसरे कोई पैसे वाला अंकल जी के नाम का, क्योंकि ये तो गरीब है, बार बार तुम अपने मुँह से ही बोलते हो गरीब है, उससे तुमको कुछ मिल नहीं रहा है व्यूज़ के अलावा, तो शायद कोई और जो है ना और अंकल ढूंढा होगा जिसके नाम का एक तीसरा मंगलसूत्र है, या तो आशीष होगा या फिर कोई और होगा। आशीष के साथ वैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होगा, आशीष को मज़ा नहीं आया होगा घिस घिस के, चलो देखो मैं घिस घिस के तो बोल रही हूँ लेकिन मेरे साइड में ना मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा सोया हुआ है तो अब तो मैं बोल ही सकती हूँ, तो आशीष को जो जब तुम्हारे साथ घिसने आया था ना तो उसको मज़ा नहीं आया, गुफा बन चुका गुफा, कुएं में पत्थर मारोगे तो मज़ा थोड़ी आएगा, है कि नहीं है, तो इसलिए आशीष ने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि आशीष का नाम जो है आजकल तुम्हारी जुबान पर आ नहीं रहा, पहले तो बहुत उछल उछल के कूद कूद के बोल रही थी, है कि नहीं है। और आंटी जी आप बोलती हो कि इज्जत के साथ जो है आपको बुलाया गया है, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से जो है ना आपको मिली है, तो आंटी जी आपको लोग कितनी इज्जत देते हो तो हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया की जो फैमिली है ना, सोशल मीडिया की फैमिली आपकी इंस्टा पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपकी कितनी इज्जत अफजाई करते हैं वो हम सब देख रहे हैं। और रहा सवाल आप जहाँ पे बड़ी हुई हो वहाँ पे आपकी कितनी इज्जत है, तो वहाँ के लोग जो है ना आपके बारे में हमको डीएम करके इतनी तारीफ़ करते इतनी तारीफ़ करते, आपकी कहानियाँ जो हम बताते हैं सोशल मीडिया में तो आपकी जो कहानियाँ हैं ना हम बताते तो हमको वहाँ से ही समझ में आता है कि आपकी इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं आपकी, जो मतलब कि आपने पहले कितने अच्छे अच्छे कांड करे हैं जिनकी कहानियाँ हमको सुनाया जाता है, तो आपकी जो बचपन जहाँ पे बीता वहाँ पे आपकी कितनी इज्जत है और सोशल मीडिया में आपकी कितनी इज्जत है। और आज तो कल का ब्लॉग था, कल तो आपकी बिल्डिंग में सोशल मतलब एरिया तो छोड़ो बिल्डिंग में आपकी कितनी इज्जत है वो तो पता चल ही गया आंटी जी, आप पब्लिकली कैसे बैठे थे एकदम कोठी वाली की तरह है ना, और लोग तो ग्रुप में बैठ बैठ के गप्पे मार रहे थे, क्या वो आंटी जी हमारी सेलिब्रिटी आंटी जी आपके साथ कोई फ़ोटो खिंचवाने नहीं आया, आपके साथ कोई बात करने से आया बिल्डिंग की, आप इतनी बड़ी फेमस सेलिब्रिटी इतनी पैसे वाले खूबसूरत तारा हो आप, आपके साथ किसी ने फोटो नहीं खिंचवाई सेल्फी नहीं ली, आपका कोई फैन नहीं आया बिल्डिंग से या फिर आस पड़ोस के लोगों ने तो आपसे बात भी नहीं किया आंटी जी, तो आपकी कितनी इज्जत है और कितनी आप सलील हो वहाँ पे फेमस हो जलीलपन के लिए वो हम सबको दिख भी रहा है और हमसे बेहतर कौन जान सकता है भाई, है कि नहीं है। चलो भाई अब तो हमारा टेंशन जो है वो ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि अब तो 15 लाख तो वो देने ही वाली है, ठीक है अब तीसरा मंगलसूत्र आ गया, देख तीसरा बुढ़ा भी आने वाला है, पता नहीं अब किसका घर टूटेगा कौन सी औरत का पति छीना जाएगा, सब अपने अपने पतियों को अच्छे से रख लो सना भाभी, इमरान भाई को कहीं जाने मत दो, और मरियम आंटी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ समीर अंकल को तो बिल्कुल भी कहीं मत जाने दो, और नहीं तो सना भाभी मरियम आंटी को फ़ोन करके बोल दो कि समीर अंकल को जो है ना कुछ दिनों के लिए घर में ही रखे, क्योंकि अब तीसरा मंगलसूत्र बन चुका है, अब कौन सा बुड्ढा फंसेगा और किसको जो है ना अच्छे से चूसा जाएगा एकदम कंगाल बनाया जाएगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आप 15 लाख तो अब तो जो है ना बुढ़ी लैला हमारी जो बहुत अच्छे से फंस चुके हैं, 15 लाख तो देना ही है और घर खर्चा भी चलाना ही है, क्योंकि खर्चे बहुत
बढ़ गए है ना, क्योंकि मेंटेनेंस जो इतनी बढ़ गई। मेंटेनेंस किस चीज़ का आपको पता है? पुरानी जो बिल्डिंग है हमारी बुड्ढी लेला, उसकी मरम्मत की मेंटेनेंस भी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो दिखेगी तभी तो बिकेगी, तो उसका तो खर्चा निकालना ही है। वो बुबला भी आजकल जो है ना सांड की तरह डाइट फूड खा रहा है, तो वो पैसे भी निकालने, आजकल तो सूरत के घर में ही परसेंटेज दे रहे हैं, तो सबको परसेंटेज दे के कुछ बचता है नहीं। अब तीसरा मंगलसूत्र आ गया भाई, मतलब तीसरा चिच्चा भी आने वाला है, तो सब अपने पतियों को तो है ना संभाल के रखो। मेरा पति जो है ऐसे भी दुबला पत्ता है, तो उसके लिए मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन इमरान भाई और समीर अंकल जैसे लोगों को फंसने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा है ना। तो इसीलिए तो सब अपने अपने पति को संभाल के रखो, क्योंकि अब तो तीसरा मंगलसूत्र बन गया है भाई। आंटी जी बोलते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताना। आंटी जी कमेंट तो हम करते हैं आंटी जी, लेकिन आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती हो आंटी जी। कमेंट तो हम भर भर के करते हैं, और उस कमेंट पर हम गालियाँ भी लिखते हैं आंटी जी, लेकिन आपको बस वो तीन चार अच्छे अच्छे कमेंट्स ही दिखते हैं सावन के अंधे की तरफ। क्या करें, अब वही तीन चार कमेंट जो आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं, वो भी आपके बोबला जो है फेक अकाउंट से करता है, वही आप वीडियो पे लगाती हो। हमारी कमेंट भी मुझे आपके लिए जो है ना इनविजिबल लगती है, शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा कि हमारे कमेंट भी आप पढ़ती नहीं हो शायद, और आप जो है ना अपनी वीडियो में भी नहीं लगाते। और ये स्क्रीनशॉट और ये वो डाल के आप क्या हासिल कर लोगे आंटी जी? आपका जो असली चेहरा है ना शेष नागिन, आपकी जो असली चेहरा है, आप जो पल पल रूप बदलते हो नागिनों की नागिन शेष नागिन जहरीली नागिन, तो आपका जो जहरीला शक्ल है ना वो पूरी सोशल मीडिया में सबको दिख गया है आंटी जी। तो आप ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग जितना भी डालो, अब अभी जितना भी हाथ पैर मार लो आंटी जी, कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया के पब्लिक को पता चल गया आपकी फैमिली को कि सामने से आप उनकी फैमिली बोलते हो और पीछे से कैसे नंगी नंगी गाली देती हो। और वैसे भी कमेंट की बात करते, कमेंट में तो लोग आपसे सवाल पूछ ही रहे हैं कि आशीष का प्रूफ दो, 15 लाख का प्रूफ दो, ये करो वो करो, लेकिन मुझे आप जवाब ही नहीं देती हो, बस बोलती हो को अगले वाला जो है 15 लाख की बात ही नहीं करो। 15 लाख की बात तो हम कब से कर रहे हैं? और वैसे भी सबको सवाल करने वाले आंटी जी, आपको शीला सना भाभी ने क्या क्या सवाल पूछा, और हमने जो जो सवाल पूछा उसका तो कम से कम आंसर दे दो। सबसे सवाल पूछने का अगर आपको हक है तो हमको जवाब देने का भी हिम्मत आपको होना चाहिए। आफ्टरऑल आप जो है ढीली चड्डी हो बुढ़ी लैला, आप किसी के बाप से नहीं डरती हो, तो जवाब तो बनता है ना आंटी जी। डर किस बात का? मुद्दे की बात हम कब से कर रहे हैं? मुद्दे की बात ही हम करते हैं, आपकी तरह बकवास नहीं करते और ना ही ज्ञान बेलते हैं। अब देखो आज की बात है, जैसे कि अभी सवेरे सवेरे आपने जो है दरगाह में जाके जो है बकचोदी दे ली, ठीक है, दरगाह की तरफ पीठ दिखा के बैठ के वहाँ पे ज़ियारत के नाम पे गिबत कर गई। अब शाम को ही आपका मुजरा शुरू हो जाएगा, सवेरे जो इतनी ज्ञान पे लिया आपने और शाम को अपना आपका मुजरा शुरू हो जाएगा, तो आप बकचोदी करते हो, हम तो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात हम कब से करें? 15 लाख की बात ही हम कब से करें? लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा है तो जवाब अगर आप नहीं दे रही हो तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। पब्लिक को घुमाने की आदत आपकी जो है, 3 साल से सिंगल मदर बन के, फिर एक पतिव्रत नारी बन के, उसके बाद पति को गाली देके, फिर उसके बाद उमरा में जाके, ऐसे ही तो आपने जो पब्लिक को घुमा घुमा के जो है ना अपने चैनल्स को आगे बढ़ाया है, तो घुमाने की आदत पब्लिकों को आपको है, हमको नहीं है बाबा, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। और वैसे भी आपको अगर सबको जवाब देने का मतलब कि आपने जो है ना बीड़ा उठाया, बोलते बीड़ा उठाया, तो भाई सबके साथ साथ जो है ना मरियम आंटी और समीर अंकल भी आपके लिए बोल रहे हैं। मरियम आंटी बजा रही है, समीर अंकल भी आपके अच्छे से बजा रहे हैं, तो जवाब तो शायद मुझे लगता है मरिहाना आंटी सना भाभी इमरान भाई के साथ साथ जो है ना मरियम आंटी और समीर अंकल को भी देना पड़ता है। तो क्या हुआ, क्या ख्याल है मरियम आंटी और सना भाभी के बारे में? उनको जवाब ना दे रही हो आप, फट गई ना उनसे, हाँ पता है उनसे आपकी फट गई, इसीलिए जो है ना आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो। अब उन्हीं को जवाब दे रहे हो जिनको आप झेल सकती हो, जिनसे आपकी फटती है ना, क्योंकि मरियम आंटी तो कल जो है ना एक बार बहुत सच बोली है कि आप जो है ना उसके पैर की बराबर हो, और ये सही बात है, क्योंकि आप जितना दिखाती हो उतना वाला तो आप हो नहीं, है कि नहीं? और सोशल वर्कर खुद को बोलते हैं, आज तक तो कोई सोशल वर्क करते हुए तो नहीं देखा मैंने, दिन भर तो कस्टमर ढूंढते हुए पार्लर में जाके लिपाई पोती, मतलब कि डेंटिंग वेंटिंग कराते हुए और खाना खाते हुए दिखती हो आप, तो सोशल वर्क आप कहाँ से करती हो वो तो नहीं दिखता है। और महिलाओं की आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, कौन सी महिलाओं के लिए क्या आपने ऐसा उखाड़ लिया वो भी ना दिखा आज तक आपके चैनल में। तो ये जो महिलाओं के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हो आप खुद को, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई सोशल वर्क करो। आप जैसे दिखती फेक हो, आपके बाल फेक है, नाखून फेक है, आपका पति फेक है, आपके रिलेशनशिप्स फेक है, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी आप सर से लेकर पैर तक फेक हो, वैसे ही
है आपका जो पोस्ट है ना वो भी फेंकी है। और फिर बोलते हैं कि ये मर्द है, इमरान भाई बोलते थू है थू। भाई मर्द की पहचान और नामर्द की पहचान आपसे बेहतर कौन कर सकता है, तो मर्द नामर्दों की आप लेती जो हो तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। इतने सारे मर्दों को लेने के बाद और घर में है दो मर्दों को लेने के बाद आपसे बेहतर कौन एक्सपीरियंस हो सकता है कि कौन नामर्द है और कौन नामर्द है कि नहीं है, और कौन बुरा बाप है और अयूब कितना अच्छा बाप है, ये तो पूरी सोशल मीडिया ने देखी। आंटी जी आपकी जो सोशल मीडिया के फैमिली उसने भी देखा कि आपका जो अच्छा बाप अच्छा पिता अच्छा डैडी रणताक सत्तानी जो है वो कितना अच्छा और सच्चा है, और अपनी बीवी और अपना जो सौतेला भाले का बेटा उसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बात बोलता है वो पूरी सोशल मीडिया ने देखी है। तो अयूब की तारीफ जो है ना वो ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हम हैं उसकी तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि हम जो है ना उसकी गवाही दे सकते, क्योंकि हमारे पास ना उसकी जो है ना गवाही देने की ना रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है कि वो कितना अच्छा बाप है और अपने सौतेले भाले के बच्चों के लिए कितना अच्छा अच्छा बोलता है और अपने भाई की बीवी के लिए कितना अच्छा अच्छा बोलता है, उसका सबूत हमारे पास है और हमने चलाया है तो वो हमको बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ना खुद कांच के घर पर रह के दूसरों को पत्थर नहीं मारते, पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने घर में सुधार लाना चाहिए, फिर दूसरे को बोलना चाहिए आंटी जी। और आंटी जी का आपको ना नया जो है ना नया आंटी जी का जो है ना स्टाइल टेक्निक बोल सकते हो आप चालू क्या है, मैं किसी को गंदा नहीं बोलती, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, सबके बच्चों के बाप के बारे में निकाले कि इसके बच्चे का बाप कौन है उसके बच्चे का बाप कौन है, सबको आपकी तरह समझ के रखा है कि आंटी जी सब आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, हमको हमारे बच्चे का बाप कौन है पता है और हमारे बच्चों का बाप उनके साथ ही है। तो सबके बच्चों के बाप के बारे में जाएगी। इनफैक्ट मरियम आंटी का उसका जब लड़ाई हुआ था तो मरियम आंटी का जो बेटा है ना क्या नाम है उसका, वो उनका है कि नहीं है कि किसी और का है, उनके बच्चों के बारे में बोला गया। रिहान आंटी से जब लड़ाई हुई तो उनके बच्चों के बारे में बोला गया, बेटियों के बारे में बोला गया। इनफैक्ट सम्मू के बारे में जब बोली उसके अबॉर्शन के बाद उसके बच्चों के बारे में भी बोला गया, उसके बाप के बारे में बोला गया। अभी सना भाभी इमरान भाई के बच्चों के बारे में बोला गया, और तो और उसके प्यारे हस्बैंड अच्छे डैडी के बच्चों के बारे में भी बोला गया। उसकी वीडियो तो बाकायदा मेरा ये आँख जो है ना ब्राउन कलर की दिख रहा है, उसके बच्चों के बारे में बोला गया। तो सबके बच्चों के बारे में बोलेगी, सबको गलत बोलेगी, सबकी बॉडी शेमिंग करेगी, सबके करेक्टर पे उंगली उठाएगी। शुरुआत जो है बुड्ढे से नहीं, शुरुआत मरियम आंटी से किया गया था, मरियम आंटी के बच्चों को बोला गया था, फिर रिहाना आंटी के बच्चों को बोला गया, फिर बुड्ढे के बच्चों को, समूह के बच्चों को, सना भाभी के बच्चों को, सबके बच्चों को बोलती है, सबके कैरेक्टर के बारे में बोलती है, मरियम आंटी के कैरेक्टर के बारे में, सबके कैरेक्टर के बारे में बोलेगी। बोलती मैं किसी को गंदा नहीं बोलती, किसी के बच्चों के बारे में मैं गंदा नहीं बोलती, किसी को मैं बदवा नहीं देती, ये इसका एक टेक्निक है। और सबके अकाउंट दिखाने वाली कि किसका क्या है, फेक है कि रियल है, सबके इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाने वाली। तो अपने ब्लू टिक के बारे में ज़रा बता, तेरे बबले को बोल तेरे ब्लू टिक के बारे में थोड़ा बताने के लिए कि वो रियल है कि फेक है। और तुम दोनों माँ बेटे ना मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि तुम लोग को इनएक्टिव और फेक डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तुम लोग को ये पता नहीं कि इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, फेक का मतलब क्या होता है। बस अभी जो है ना चीज़ों को जो है ना और उलझाना है, व्यूअर्स को और उलझाना है, 15 लाख के मुद्दे से और कहीं दूर ले जाके फेंकना है, और इस ड्रामे को जो है ना कंटिन्यू करना है, और अपने यूट्यूब के चैनल को 1 मिलियन तक बनाना है। इसलिए बस बातों को लपेटे में ले रहे हो, घुमा रहे हो। इनएक्टिव वो लोग होते हैं जो उनके चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करते या फिर फ्रीक्वेंटली उनको जो है ना फॉलो तो नहीं करते, बट उनकी कुछ कुछ वीडियोस लाइक भी करते हैं, उनके पोस्ट लाइक करते हैं, वहाँ पे कमेंट भी करते हैं, ठीक है। और फेक का मतलब ये होता है जो बोलते हैं ना दूसरी आईडी बना के एक इंसान का 10-12 या फिर 110 जैसे वो प्ले का है, ऐसे अकाउंट से आके जो है ना लाइक करते कमेंट करते हैं, आइए समझ में। और तेरा जो है ना YouTube में जो है ना इनएक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी कमेंट्स वाले लोग हैं वो सब तो तेरे में गालियाँ भरे भरे होते, बस YouTube में जो है ना स्टार्टिंग में कुछ अच्छे मिल जाते हैं तेरे को क्योंकि वो गूगल का फेक अकाउंट से आता है। तो ये गेम ज़रा कम खेल, अपने ब्लू टिक का बता, और इनएक्टिव और फेक है ना लोगों को पता है, तुम लोग पढ़े लिखे MBA वाले और रियान इंटरनेशनल वाली माँ का MBA वाला बेटा, तुम लोग की इंग्लिश तो आती है नहीं, तो कम से कम डिक्शनरी खोल के जो है ना वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है और फेक का मतलब क्या, ये तो जान लेते तो ही अच्छा था। और वैसे जब तुम लोग चीज़ों को गोल 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 घुमाना स्टार्ट करोगे क्योंकि तुम लोग आए तो थे दूसरों को उंगली करने दूसरों को जलाने, तो बोली थी ना स्टार्टिंग में बस उंगली करके छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम लोग जो है ना अभी तुम लोग की सुलग चुके, तुम लोग के अंगा लग चुके, तुम लोग नाच रहे हो। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही पहनते थे, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग की दरख्वास्त है।